नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अंबुज यादव जी, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के BCA डिपार्टमेंट से। तो आज हम अंबुज जी से ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये कोरोना वायरस ने अपना कहर ढाया हुआ है, तो इस कोरोना वायरस से बचने के लिए उनका क्या सुझाव है। तो अंबुज जी, आप बताएंगे, हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि इस कोरोना वायरस से कैसे बचाव किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे कितने सारे देशों में फैला हुआ है, और आप लोगों को ये भी पता है कि कितनी हमारे फ्रीक्वेंटली लोगों की डेथ भी हो रही है और कितने लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले लोगों को फ्रीक्वेंटली अपने हैंड वॉश करना चाहिए, उसे सैनिटाइज करना चाहिए, और लोगों के कॉन्टैक्ट में कोशिश करें कि लोगों के कॉन्टैक्ट में कम आए। अगर इनकेस कोई इससे इफेक्टेड है, किसी को फीवर है, कोल्ड है, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहे। एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस जो होता है उसे मेंटेन करके रहे, ताकि आप लोग अपने जो सेल्फ प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अपना फेस कवर करके रखें, अवॉइड करें कि जहाँ पर बहुत गैदरिंग है वहाँ पर ना जाएं। कोशिश करें कि आप लोग अपने अपने इंडिविजुअली अपने एरिया में और क्लीनिंग की, हाइजीनिक की बहुत ज़्यादा सेफ क्या कह सकते हैं कि हाइजीनिक बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखें, तो ये आपको जो है कोरोना वायरस से बचाने में मदद कर सकता है। तो ये विचार थे टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की टीचर अंबुज जी के। इसी के साथ हाँ, एक सुझाव मैं भी आपको देना चाहूँगा कि खाने पीने की चीज़ों में सावधानियाँ बरतें, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी ठंडा खाना या फ्रिज से कोई भी चीज़ निकालकर ना खाएं, क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा इफेक्ट ठंडी चीज़ों पर ही होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।